हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुत खींचतान के बाद नया मंत्रिमंडल जुलाई 2020 में गठित किया जा चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संपूर्ण जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र के बारे में, और इस लिस्ट में आपको फोटो के साथ उनके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन मंत्री बने हैं मध्य प्रदेश सरकार में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में गठन कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। यहाँ की राजधानी है भोपाल, गवर्नर है लालजी टंडन, लेकिन हाल ही में इन्हें दोस्तों बीमारी के कारण जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिस कारण वर्तमान में आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो भाजपा से हैं। विधायक विधानमंडल की कुल 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये है मध्य प्रदेश का मैप। चलते दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल में जो जो पद दिए गए हैं, जो जो मंत्रालय दिए गए हैं उनके बारे में। तो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं और बुधनी क्षेत्र से हैं, उनने कौन कौन से अपने पास मंत्रालय रखे हैं? तो सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नवदा घाटी विकास। किसी मंत्री को आवंटित विभाग जो नहीं दिए गए हैं, वो विभाग भी शिवराज सिंह चौहान के अपने पक्ष में रख लिए हैं। तो ये इतने विभागों के मंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा जो दतिया से विधायक हैं। इन्हें गृह मंत्रालय, जेल संसदीय मंत्रालय और कानून यानी होम अफेयर्स, जेल्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और लॉ, इन सभी का मंत्री बनाया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं नरोत्तम मिश्रा और ये दतिया से विधायक हैं। नेक्स्ट बनता है गोपाल भार्गव जो रहली सागर से विधायक हैं। इन्हें लोक निर्माण विभाग, कुटीर और ग्रामोद्योग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, कॉटेज और रूरल इंडस्ट्रीज का मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, जो नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री बने हैं वो हैं कमल पटेल जो हरदा से विधायक हैं। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं कमल पटेल। इन्हें किसान कल्याण और कृषि विकास का मंत्री बनाया गया है, यानी फार्मर वेलफेयर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट हैं यशोधरा राजे सिंधिया जो शिवपुरी से विधायक हैं। इन्हें खेल और युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार का मंत्री बनाया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं यशोधरा राजे सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ जी लगती हैं। नेक्स्ट है विजय शाह जो हरसूद से विधायक हैं। इन्हें फॉरेस्ट मंत्री बनाया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं विजय शाह। नेक्स्ट है जगदीश देवड़ा जो मल्हारगढ़ से विधायक हैं। इन्हें वित्त मंत्रालय, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, वाणिज्य कर मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। दोस्तों, इनकी फोटो नहीं मिली जिस कारण मैं इनकी फोटो नहीं लगा पाया हूं। नेक्स्ट है मीना सिंह जो मानपुर से विधायक हैं। इन्हें आदिवासी कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण का मंत्री बनाया गया है। ट्रिब्यूनल वेलफेयर, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर का मंत्री बनाया गया है मीना सिंह मानपुर को। नेक्स्ट है भूपेन सिंह जो खुरई सागर से विधायक हैं। इन्हें शहरी विकास और आवास का मंत्री बनाया गया है, यानी अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग बोर्ड का मंत्री बनाया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं भूपेन सिंह। नेक्स्ट है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो पन्ना से विधायक हैं। इन्हें श्रम और खनिज संसाधन का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है विश्वास सारंग जो नरेला भोपाल से विधायक हैं। इन्हें चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास का मंत्री बनाया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं विश्वास सारंग। दोस्तों, यहां पर विश्व नहीं, यहां पर विश्वास सारंग है। नेक्स्ट है प्रेम सिंह पटेल जो बड़वानी से विधायक हैं। इन्हें पशुपालन, सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट ओम प्रकाश सकलेचा जो जावा से विधायक हैं। इन्हें सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विधायक मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है उषा ठाकुर जो महू इंदौर से विधायक हैं। इन्हें पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म का मंत्री बनाया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं उषा ठाकुर जो महू इंदौर से विधायक हैं। नेक्स्ट है अरविंद सिंह भदौरिया जो अटेर से विधायक हैं। इन्हें सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन यानी कोऑपरेटिव पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट का मंत्री बनाया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हैं अरविंद सिंह भदौरिया। नेक्स्ट है मोहन यादव जो उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। इन्हें उच्च शिक्षा का मंत्री बनाया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं मोहन यादव जो उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं।
चलिए दोस्तों, यहां तक तो जो विधायक थे अभी वर्तमान में, उन जिनके यहाँ चुनाव नहीं होने हैं उनके मंत्रियों की लिस्ट थी। लेकिन अब 17 नंबर से जो तुलसी सिलावट है इनसे शुरू करती हैं, इनके जो चुनाव क्षेत्र यहाँ पर उपचुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इन्हें बिना उपचुनाव या बिना विधायकी के इन्हें जल संसाधन, मत्स्य कल्याण और मत्स्य विकास का मंत्री बनाया गया है, यानी वाटर रिसोर्सेज, फिशर्स वेलफेयर एंड फिशर्स डेवलपमेंट का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है गोविंद सिंह राजपूत, इनके यहाँ भी उपचुनाव होना है और इन्हें राजस्व और परिवहन का मंत्री बनाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हैं गोविंद सिंह राजपूत जो सागर की सुरखी विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं। नेक्स्ट है अदल सिंह कसाना, इनके यहाँ भी उपचुनाव है, फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं अदल सिंह कसाना, इन्हें जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी का मंत्री बनाया गया है। दोस्तों फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं बिसाहू लाल सैन, इनके यहाँ भी उपचुनाव होने हैं, इन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण यानी फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मंत्री बनाया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं बिसाहू लाल सैन, ये भी कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इमरती देवी की, इनके यहाँ भी उपचुनाव होने हैं, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये है इमरती देवी, इन्हें महिला और बाल विकास का मंत्री यानी वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार में। नेक्स्ट है प्रभुराम चौधरी, इनके यहाँ भी उपचुनाव होने हैं और इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का मंत्री बनाया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं प्रभुराम चौधरी, जिन्हें पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह सिसोदिया, इन्हें भी इनके यहाँ भी उपचुनाव होने हैं और इन्हें पंचायत और ग्रामीण विकास का मंत्री बनाया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। दोस्तों ये जो मंत्रालय है ये पहले गोपाल भार्गव जो भाजपा के विधायक हैं उन्हें ये मंत्रालय दिया गया था पिछली चुनाव में। नेक्स्ट है प्रद्युम्न सिंह तोमर, इन्हें भी दोस्तों ऊर्जा मंत्रालय का मंत्री प्रभार दिया गया है। दोस्तों फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। नेक्स्ट है हरदीप सिंह डांग, इनके यहाँ भी उपचुनाव होने हैं, फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं हरदीप सिंह डांग, इन्हें नई और नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण का मंत्री बनाया गया है, यानी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरमेंट का मंत्री बनाया गया है हरदीप सिंह डांग को मध्य प्रदेश सरकार में। नेक्स्ट है राज्यवर्धन सिंह दातिगा, इन्हें भी हाल ही में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन का मंत्री बनाया गया है, फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये है राज्यवर्धन सिंह दातिगा। दोस्तों ये तो बात हुई कैबिनेट मिनिस्टर की, अब बात करते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बनाए गए हैं यानी राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनके बारे में। तो कुल 8 मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार में, इनके नाम हम बारी बारी से जानेंगे। तो पहला नाम है भारत सिंह कुशवाहा, जो ग्वालियर ग्रामीण से विधायक हैं, इन्हें बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण मनरद्वा घाटी विकास का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं भारत सिंह कुशवाहा। नेक्स्ट है इंदर सिंह परमार, जो सुजालपुर से हैं और इन्हें स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन का मंत्री बनाया गया है, इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं इंदर सिंह परमार। नेक्स्ट बात करते हैं राम खेलवान पटेल की, जो अमरपाटन से विधायक हैं, इन्हें भी हाल ही में पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण का स्वतंत्र प्रभार, फ्रीडम ऑफ नेमेडिक एंड सेमी नेमेडिक ट्रिप्स का स्वतंत्र प्रभार और पंचायत और ग्रामीण विकास का भी स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इनका नाम है राम खेलवान पटेल, जो अमरपाटन से विधायक। नेक्स्ट है रामकिशोर कंवर, जो परसवाड़ा से विधायक हैं, इन्हें आयुष का स्वतंत्र प्रभार और जल संसाधन का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट बात करते हैं बिजन सिंह यादव की, इनके यहाँ उपचुनाव होने हैं और इन्हें पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग का हाल ही में मंत्री बनाया गया है, यानी स्वतंत्र प्रभार दिया गया है राज्य मंत्री के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं गिरिराज दंतोड़िया की, इनके यहाँ भी उपचुनाव होने हैं, फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं गिरिराज जी और इन्हें हाल ही में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, जिसमें कल्याण, किसान कल्याण और कृषि विकास का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है सुरेश धाकड़, इनके यहाँ भी उपचुनाव होने हैं और इन्हें हाल ही में लोक कल्याण विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश शासन में। नेक्स्ट और आखिरी मंत्री बनते हैं ओपीएस भदौरिया, इनके यहाँ भी उपचुनाव होने हैं, फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं ओपीएस भदौरिया। दोस्तों इन्हें शहरी विकास और आवास का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है स्टेट मिनिस्टर के अंतर्गत।
तो दोस्तों ये लिस्ट थी जितने भी मध्य प्रदेश शासन में मंत्री बने हैं उनके बारे में। कुल 33 मंत्री बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री के साथ जोड़ दें तो 34 कुल मंत्री बनाए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो और करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप हमें जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।